नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। इसी संदर्भ में आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। जानकारी देने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आपको बता दें कि नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय खंडवा में विभिन्न पद पर भर्ती निकले उप रजिस्टर, अस्पताल प्रबंधक, सहायक अस्पताल प्रबंधक और बायोमेडिकल इंजीनियर, इन सभी का नोटिफिकेशन के साथ आपको बताने वाले हैं। फॉर्म भरने की क्या प्रोसेस रहेगी, सभी कुछ प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक आप बने रहिए, वीडियो में एंड तक आप बने रहिए, आप सभी को बता देते हैं। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, तो क्लियर दिख नहीं रहा है क्योंकि पीडीएफ भी ऐसी है, क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसके पीडीएफ भी ऐसी है, पीडीएफ में ही धुंधला धुंधला थोड़ा दिख रहा है। तो कोई नहीं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाइए, आपको वहां पर हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंद सिंह चौहान शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय लवकुश नगर मुंदी रोड खंडवा 29/4/2023 को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। संबंधित गैर शैक्षणिक विज्ञप्ति मध्य प्रदेश शासन चिकित्सालय शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक में 15/6 द्वारा प्राप्त अनुसूची के आधार पर रिक्त पदों की पूर्ति आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर द्वारा अनुमोदन उपरांत तथा विज्ञप्ति क्रमांक 2413 के लिए आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम तिथि इसकी 2/6/2023 रात्रि 12 बजे तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट आपको 2/6/2023 रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। उप रजिस्टर का एक पद है, अस्पताल प्रबंधक का भी एक पद है, सहायक अस्पताल प्रबंधक की एक है, बायोमेडिकल इंजीनियर का भी एक पद है। नोट, उपरोक्त चिन्हित पदों में एससी एसटी अनुसूचित जनजाति ओबीसी पिछड़ा वर्ग अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवार से है, आरक्षण एससी को 16%, एसटी को 20%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। योग्यता क्या रहेगी इनमें फॉर्म डालने के लिए, देख उप रजिस्टर की जो सैलरी रहेगी वो 60,000 पर मंथ रहेगी। यहाँ पर आपको एमबीए आपका कंप्लीट होना चाहिए उप रजिस्टर में। अस्पताल प्रबंधक में आपको मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल मैनेजमेंट अस्पताल प्रबंधक के कार्यों में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसकी सैलरी भी 60,000 आपको देखने को मिल रहेगी। अस्पताल सहायक प्रबंधक की अस्पताल प्रबंधक का 1 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें आपको पेमेंट 40,000 देखने को मिल रही। बायोमेट्रिकल इंजीनियर में आपको 60,000 पेमेंट देखने को मिल रही होगी। बी इन बायोमेडिकल इंजीनियर 300 निरस्त अस्पताल में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अस्पताल प्रबंधक एवं सहायक अस्पताल प्रबंधक हेतु सर्वप्रथम 200 बिस्तरी अस्पताल में अनुभव का चयन किया जाएगा। ठीक है, आपको जो अनुभव इसमें दिया गया है उसमें 200 बिस्तर वाला अस्पताल होना चाहिए। ठीक है, वेतन एवं भत्ते में आपको 2% के वृद्धि के साथ आपको बढ़ाया जा सकता है वेतन। और जानकारी के लिए यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष होना चाहिए और इस अनुसूचित जनजाति बाकी सभी में अनारक्षित में 18 से 40 होना चाहिए और बाकी जो जनजाति एसटी एससी ओबीसी इसमें आपको 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। सामान्य शर्त यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। ये सभी डिटेल देखने के बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि मतलब प्रारंभ हो चुके हैं 4/5/2023 से और लास्ट डेट है इसकी 2/6/2023। 4/5/2023 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, 2/6/2023 को आवेदन समाप्त हो जाएंगे। अनारक्षित वर्ग है तो 1600 रुपए शुल्क रहेगा और अनारक्षित वर्ग के लिए 1200 रुपए शुल्क रहेगा। नोट, एक से अधिक आवेदन करने के लिए आवेदक को पृथक पृथक आवेदन ऑनलाइन करना होगा। अगर आप 2 से 3 पद के लिए पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको पृथक पृथक सभी का जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। पोर्टल 50 रुपए पर शुल्क। आवेदन करने के लिए कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधान पूर्वक दिशा निर्देश को आप पढ़ लें। आप दिशा निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन एमपी ऑनलाइन के एमपी ऑनलाइन www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12वीं की अनुसूची जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र आवेदित पद हेतु निराहित अर्हता आपको होना चाहिए। निवासी प्रमाण पत्र, फोटो कार्य होने का मूल, नियोक्ता व अनामत प्रमाण पत्र, उम्मीदवार का नवीन फोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200 KB आकार के से अधिक के नहीं होने चाहिए। ये सभी आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले
अपलोड किए जाएंगे। ये सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल 13 पेज की पीडीएफ है। टोटल 13 पेज की पीडीएफ अगर पूरा पढ़ के बताएंगे तो यहाँ पर बहुत टाइम हो जाएगा। कुल मिलाकर बात तो इतनी है कि अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो ये पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप सभी को अगर इसमें आवेदन करना है तो पूरे दिशा निर्देश पढ़ने के बाद इसमें ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो जरूर से करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। फिर से आपसे छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।